नमस्कार दोस्तों, मैं जीएसपी यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए, हम लोग एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें मैंने क्वेश्चन 14 तक करा दिया था और जो पार्ट ए था, और पार्ट बी में हम 15 से कर रहे हैं। तो आइए इसको देखा जाए। दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है, राज ने अपने 4 विषयों में 67, 69, 78 तथा 88 अंक प्राप्त किए, उसे अपने 5वें विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए ताकि उसके औसत अंकों का अंक जो है 80 हो। सिंपल सा है दोस्तों, 4 विषय दिया है जिसका अंक दिया हुआ है 67, 69, 78, और 5वें विषय जो दिया है दोस्तों, 5वें विषय वो मेरे को पता नहीं है। मैंने मान लिया कि 5वें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किया, तो मैंने मान लिया 1 अंक प्राप्त किया, ठीक है। और ये हो गया, और इसका कह रहा है कि 5वें में जो है नहीं पता था, मैंने मान लिया 1 अंक प्राप्त किया, तो ताकि उसके औसत अंकों का अंक 80 है। औसत, औसत बराबर कुल राशियों का जो बटामूल की संख्या, औसत अंकों का अंक जो है 80 है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि औसत बराबर होता है कुल राशियों का जो बटामूल की संख्या। कैलकुलेट करा जाए, 8, 8, 16, 9, 25, 7, 32, 2, 3, 8, 7, 15, 6, 21, 21, 6, 27 और 3, 30 प्लस 1। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा, 85 कितना हो जाएगा 400, ठीक है। ये उधर जाके घट जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा कितना दोस्तों, 480 में से अगर 302 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 92। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि 16 नंबर। तो चलिए दोस्तों ये देखा जाए। एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि बस ने 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिए तथा 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है। देखिए दोस्तों, 1 खंभा, 2 खंभा और 3 खंभा, 3 खंभा यहाँ पर दिया हुआ है। बस हम लोग क्या करेंगे, 3 खंभा में से घटा देंगे तो 2 खंभा, और 2 खंभा के बीच की दूरी यहाँ पर हो जाएगा 50। उसी प्रकार यहाँ पर जो है 35 विद्युत खंभे हैं, तो 35 विद्युत खंभे में हम क्या करेंगे, घटा के लेंगे तो 34, और 34 वो खंभा जो है 50 मीटर की दूरी पर हैं, तो 34 वो खंभा जो 50 मीटर की दूरी पे हैं, तो हम टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका निकालेंगे, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल, सॉरी दूरी हो जाएगा आपका 34 खंभा था और 34 50 मीटर की दूरी पर है, तो टोटल हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा 34 पाँच 170 इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब करना क्या है, ये आपका डिस्टेंस हो गया, टाइम दिया है आपका 1 मिनट, 1 मिनट बोले तो 60 सेकेंड, ठीक है। अब स्पीड निकाल दीजिए, स्पीड यानी चाल बराबर दूरी, टोटल 1700 बटे में कितना हो जाएगा 60। दोस्तों यहाँ पर स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा बनने के लिए इसमें 18/5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 6 और ये हो जाएगा 10 6, ठीक है। 1 0 से 1 0 ये हो जाएगा 34 5, तो दोस्तों 34 3 102 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, कह रहे हैं अमन एवं अजय एक दीवार को क्रमशः 9 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में इसे पूरा करेंगे। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करा जाए इसको। देखिए सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पर करेंगे तो अमन, ठीक है, और अजय, दोस्तों ये 9 दिन ले रहा है अमन और अजय 12 दिन में, ठीक है। तो अमन और अजय दोनों अगर मिल के कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, दोस्तों दोनों के लिए होता है d1 × d2 / d1 + d2, तो d1 बोले तो 9, d2 बोले तो 12, और दोनों का सम कर दीजिएगा तो कितना हो गया 21, 3 × 21 और 3 × 3 = 9, बढ़ती है 36 बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों 7, तो 5 सही 1 इसका हो जाएगा 7 × 5 = 35, 5 सही 1/7 दोस्तों, 5 सही 1/7 दिन, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 18। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर कह रहा है 18 कि 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होती है। दोस्तों ये दोस्तों मैंने बोला कि इसका एक ट्रिक होता है, तो आइए इसको ट्रिक से करा जाए और देखा जाए क्या ट्रिक होता है। इसका ट्रिक होता है दोस्तों 4 4 2 2, ठीक है, 3 2 2 3 और 221। 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या होती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है,
तो ये मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50 इसको काटिए और 100 के मध्य, तो 2, 2, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10, आंसर हो गया आपका 10। अगर यही पूछता 60 से 70 के मध्य, तो 60 के 70 के मध्य अगर पूछता तो 1, 2 यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60 इसको काटिए, आगे लीजिए 2, 3, 5, 2, 7, 1, 8, तो आंसर हो जाता आपका 8। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, यानी कि 19। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए। दो संख्याओं का गुणनफल 35828 है तथा एलसीएम 26 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करा जाए। जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस, ठीक है दोस्तों, जिसमें दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 35828 और एलसीएम आपका निकालना है दोस्तों। मैंने मान लिया एक्स और एचसीएफ दिया है आपका 26। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये तो कभी होगा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ में अगर मान लीजिए 35828 में हम 26 से भागा देंगे तो वैल्यू छोटा होगा, बट ये कितना है बड़ा है, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम 689 में अगर 26 से गुना करा दें तो दोस्तों ये गुना कराने पर 9×6=54, लेकिन 8 है तो ये भी नहीं होगा। हाँ दोस्तों ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो सिंपल सा फंडा है, ठीक ना। तो अगर ये 6 में 8 से करेंगे तो 6×48 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसमें इसमें गुना करा देते हैं, अगर इसमें इसमें गुना कराएं तो ये वैल्यू आ गया, तो समझिए कि मेरा ऑप्शन सी सही होगा। तो आइए हम कर लेते हैं, गुना करा लेते हैं, तो 1378 में अगर मैं 26 से गुना करा दूँ, 6×48 के 8 हासिल 4, 6×7=42, 4×46 के 6 हासिल 4, 36×18=22 के 2, 6×2 8, फिर हो जाएगा 8×2=16, ये होगा 7×14=15, 13×26=27। दोस्तों 8×6=12, 5×2=7=1, 8×8=15, देखिए आ गया ना 35828। तो जाहिर से बात है दोस्तों ये कट जाएगा 26 बार में, ये कट जाएगा 1378 बार में, ठीक है, तो 1378, इसलिए दोस्तों हमारा एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1378, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 20 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा सेक्शन यानी पार्ट बी का, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, यानी 20 कह रहा है यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागा ए प्लस बी बराबर 25 है, तो ए माइनस बी बराबर क्या होगा। दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, पता है आप, पता होगा आप लोगों को, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, भागा दे दीजिए इसमें ए प्लस बी से, बराबर वैल्यू कितना दिया था 25, तो दोस्तों ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा आपका a माइनस बी, इसलिए a माइनस बी बराबर हो जाएगा 25, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और हाँ लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन को लेकर के, तो चलिए फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच। और हाँ दोस्तों, चक्रवर्ती मैथ्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, जी एस वी यादव डालिएगा तो आपका आएगा।